हेलो, मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड बर्तन बाजार कानपुर से बोल रहा हूँ और आप सबसे मुखातिब हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 8604629190 है और आज मैं आपको यूनानी दवा अमरूसिया के बारे में बताऊंगा। अमरूसिया एक तरह का प्रास है और ये बहुत सी बीमारियों में काम आता है। यूनानी दवाओं का मिश्रण है और इसमें जो दवाइयाँ मिली हुई हैं जिनसे ये मिल करके दवाई बनाई गई है, उसमें जो कड़वा कूट है इसमें किसी तरह की जैविक या कोई गोश्त या मांस नहीं मिलाया गया है, बल्कि यह शुद्ध हर्बल रेमेडी है और इसमें जो फार्मूला है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अमरूसिया का फार्मूला है और मैं पढ़ करके भी आपको बता रहा हूँ कि इसमें कड़वा कूट है, सफ़ेद मिर्च है, पीपल है और किरमानी जीरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दवा का आविष्कार हिप्पोक्रेटिस ने किया था, स्वयं हिप्पोक्रेटिस ने हिप्पोक्रेट ने किया था और जिनको कि यूनान में बुकरात कहते हैं, उनको बुकरात कहा जाता है। यूनानी चिकित्सा शास्त्री उनको बुकरात कहते हैं और यूनानी चिकित्सा शास्त्री इस बात का केस लगाते हैं कि ये फार्मूला का ख्याल और इसकी कल्पना हिप्पोक्रेटिस ने की थी, बुकरात ने की थी और इसकी कल्पना फार्मूले की किसी राजा के लिए थी जो अग्निमांद से परेशान था या अजीर्ण से परेशान था या आमाशयिक दुर्बलता से परेशान था। मंदाग्नि यानी जोफ मेदा के अतिरिक्त ये और भी जो तकलीफें हैं पेट संबंधित हैं उनमें ये बहुत काम आती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये दवा कहाँ कहाँ और किस किस जगह उपयोगी है। इस मॉडल के जरिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये छोटी आँख है, ये पूरी की पूरी, ये बड़ी आँख है, ये देख लीजिए और इसको मैं निकाल के रखता हूँ। ये आमाशय है और ये तिल्ली है, ये तिल्ली है, ये आमाशय है और ये पैंक्रियाज है। तो ये लीवर है, ये लीवर है और ये पित्ता है। इसके अलावा ये यहाँ पर ये देखिए ये गुर्दे हैं, ये दाहिना गुर्दा, ये बायां गुर्दा और ये डायाफ्राम है। तो ये शरीर की बनावट है। अब ये अमरूसिया कहाँ कहाँ काम करती है इसके बारे में मैं बताता हूँ। अमरूसिया का उपयोग एक तो आमाशय पर है, ये अगर ये पेट की थैली है, ये अगर कमज़ोर है या इसके अंदर कोई किसी तरह की दिक्कत है या परेशानी है तो ये इससे दूर होगी। दूसरा यकृत है, ये लीवर है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये लीवर की स्थिति यहाँ होती है, इस जगह है। तो ये लीवर अगर कमज़ोर है या लीवर की कोई बीमारी है तो उसमें भी ये काम आती है। और तीसरा ये तिल्ली है, इसको प्लीहा भी कहते हैं, स्प्लीन भी कहते हैं, ये पैंक्रियाज के पास ही जुड़ी होती है और ये अगर इसके अंदर कोई विकृति है तो प्लीहा से ये तकलीफ दूर करती है। दूसरा गुर्दे हैं, जो गुर्दे मैंने आपको अभी बताए थे कि ये गुर्दे हैं, अगर इनके गुर्दों से संबंधित है कोई पथरी है या ऐसी कोई चीज़ है तो उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। और एक ख़ास बात और है कि ये सारे शरीर को
जो पूरा शरीर है यहाँ पैर से लेकर के और ये सिर तक, अगर कोई दिक्कत है, पेट संबंधी दिक्कत है, उसकी वजह से सारे शरीर में कोई कमजोरी बनी हुई है, तो अमरूसिया ये बड़ा फायदा करती है, उसमें बड़ी लाभकारी है। इसके अलावा अगर गुर्दे खराब होने की वजह से यहाँ जलोदर की तकलीफ हो जाए, यानी कि एसआईटीज की या ड्रॉपसी की तकलीफ है, यहाँ पेट में पानी इकट्ठा हो जाए, तो उसको भी यह निकालने में मदद करती है। अगर बड़ी आंत में कब्ज है, ये कब्ज है, अगर कब्ज की कोई दिक्कत है, तो उसमें भी ये बड़ा फायदा करती है। और ये बड़ी विलक्षण औषधि है, यूनानी की बड़ी श्रेष्ठ औषधि है, इसलिए इसका उपयोग इन सब तकलीफों में अगर कोई और भी चिकित्सा कर रहे हैं उसके साथ साथ करते हैं तो बड़ा फायदा होगा। हमारे संस्थान में कोई भी तकलीफ हो, एनी डिजीज कंडीशन हो, क्रॉनिक डिजीज हो, लाइफ लॉन्ग डिजीज हो, इनक्योरेबल डिजीज कंडीशन हो, उसको ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन आधारित और आयुर्वेद के ब्लड एनालिसिस करके इलाज करते हैं। बीमारी कोई भी हो इसका सबका इलाज हमारे यहाँ संभव है, पर केवल वही बीमारियाँ संभव हो पाती हैं जिनमें कि मरीज के अंदर थोड़ी जान हो। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि जब हम ये कहते हैं कि सभी बीमारियों का इलाज है, तो उसका मतलब ये है कि जो बीमारियों का इलाज नहीं संभव है वो हमारे यहाँ संभव है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल से रोजाना लाइव प्रसारण होते हैं, लाइव स्ट्रीम का है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी बताइए। धन्यवाद। नमस्कार।